लगता है तुलसी थोड़ा नाराज है, उसके बाबूजी लेके आएंगे कपड़े तो वो खुश हो जाएगी। अरे मुन्नी, तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी का जन्मदिन है, जाके तैयार हो जाओ अच्छे से, फिर केक खाएंगे सब मिलके। ये आदमी नए कपड़े पहनूंगी और केक भी खाऊंगी। ठीक है मुन्नी, आज ढेर सारा केक खाना। तुलसी की अम्मा, मैं आ गया बाजार से कपड़े लेके। तुमने छत से गेहूं उतारे थे कि नहीं? गेहूं तो उतार लिया था, पर कपड़े दिखाओ, तुम कैसे लाए हो? हाँ लो देखो भाग्यवान, देखो अच्छे हैं कि नहीं। उस दिन जो लहंगा पसंद की थी तुलसी, वही लेके आए हो ना? हाँ भाग्यवान, वही लेके आया हूँ। सजावट का सामान भी लाया हूँ और केक भी। हाँ ये तो बहुत अच्छा किए। तुलसी बिटिया अभी तक नहीं आई, वो तो अपना कपड़ा देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अरे तुलसी के बापू तो बहुत सारे सजावट के सामान ले आए, इसकी क्या जरूरत थी? अब ले ही आए हो तो चलो सजा दो घर को पूरे। केक नहीं नजर आ रहा है, कहाँ रख दिए हो केक? अरे भाभी केक तो बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो। अरे हाँ तुलसी के बापू, केक तो बहुत ही बढ़िया लेके आए हो। बापू मैं आ गई गैया को चरा के, पर ये सब का है? मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहे हो बापू? हाँ बिटिया, कपड़े भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, देखो कितना अच्छा है। हाँ बापूजी, मुझे भी दिखाओ। ये देख लो बिटिया, तुम्हारी अम्मा को तो बहुत पसंद आया है कपड़ा। अम्मा के पास भी तो नए कपड़े नहीं थे, नहीं लेके आए? हाँ तुम्हारे अम्मा के लिए भी लेके आया हूँ, तुम अपना कपड़ा देख लो। अरे बापू, ये तो यही लहंगा चोली है जो मुझे उस दिन बहुत पसंद आया था, आपको कैसे पता चला? देखो अम्मा। हाँ हाँ बिटिया, चलो जल्दी पहन लो, तुम्हारी सहेलियाँ भी आ चुकी हैं। चल तुलसी आ जा, इधर खड़ी हो, केक काट जल्दी से। अरे तुलसी तुम तो बहुत सुंदर दिख रही हो। धन्यवाद पिंकी। जन्मदिन मुबारक हो तुलसी, जन्मदिन मुबारक हो। चलो तुलसी अब हमें केक भी खिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा और बापूजी, आप सब यहाँ पे आए हमको बहुत ही अच्छा लगा।